ये तस्वीर जरा गौर से देखिए, एक बार फिर देखिए, थोड़ा और गौर से देखिए। नहीं नहीं, सुनीता केजरीवाल की नहीं, उनके पीछे की तस्वीर पर नजर डालिए। जहां एक तरफ शहीद भगत सिंह हैं, तो दूसरी तरफ संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर, और बीच में तस्वीर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की है। एक वो है जो देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्योछावर कर जाता है, तो एक वो है जो देश को चलाने के लिए संविधान बनाता है, और बीच में वो जो इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। भगत सिंह और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बीच केजरीवाल की जेल वाली तस्वीर ये सवाल पूछ रही है कि केजरीवाल ने ऐसा कौन सा काम कर दिया जो उनकी तस्वीर शहीद भगत सिंह और संविधान निर्माता के बीच में लगा दी गई। क्या अरविंद केजरीवाल ने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी है, या फिर केजरीवाल ने ऐसा कोई महान काम किया जो उनकी फोटो इन दो महान शख्सियत के बीच में लगा दी गई। दरअसल सुनीता केजरीवाल के पीछे दीवार पर भगत सिंह और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बीच केजरीवाल की जेल वाली तस्वीर लगी नजर आई। ये पहली बार है जब आम आदमी पार्टी ने दोनों महापुरुषों के बीच केजरीवाल की तस्वीर लगाई हो, लेकिन तस्वीर क्यों लगाई इसकी वजह नहीं बताई। तो अब सवाल उठता है कि इस तस्वीर को दिखाकर आप आखिर क्या साबित करना चाहती है? क्या आप ये साबित करना चाहती है कि केजरीवाल देश के लिए लड़ रहे हैं, या आप लोगों से वो सहानुभूति लेना चाहती है जिसकी चुनावों में इस वक्त आपको जरूरत है? क्योंकि बार बार अरविंद केजरीवाल की पत्नी ठीक उसी जगह बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं जहां कभी सीएम केजरीवाल बैठा करते थे, और सुनीता केजरीवाल लोगों को मैसेज देते हुए बार बार कह रही हैं कि अरविंद केजरीवाल ने सभी लोगों के लिए जेल से संदेश भेजा है। यानी वो बार बार क्या ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि जेल में उन्हें जबरन रखा गया है, या वो ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि केजरीवाल निर्दोष है? खैर, सुनीता केजरीवाल कुछ भी बताना चाहें, लोकतंत्र में जनता समझदार होती है और जनता ही फैसला लेती है। लेकिन भगत सिंह और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बीच केजरीवाल की जेल वाली तस्वीर कई सवालों को लगातार पूछ रही है। खैर, आज जब सुनीता केजरीवाल सबके सामने आई तो केजरीवाल का संदेश पढ़ा और कहा कि उन्होंने अपने सभी विधायकों से जनता की सेवा करने की बात करते हुए कहा है कि मैं जेल में हूं, इस वजह से मेरे किसी दिल्लीवासी को किसी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हर विधायक इलाके का दौरा करे और लोगों से पूछे उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं, जिसको जो समस्या हो उसे दूर करें, और मैं केवल सरकारी विभागों की समस्याओं का समाधान करने की बात नहीं कह रहा हूं, हमें लोगों की बाकी समस्याओं का भी समाधान करने की जरूरत है। सुनीता केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के 2 करोड़ लोग मेरा परिवार है और मेरे पूरे परिवार में से किसी को भी किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। फिलहाल जैसे ही ये बात कहती सुनीता केजरीवाल नजर आई, उनके पीछे लगी तस्वीर पर नजर पड़ी जो केजरीवाल की तस्वीर थी। फिर क्या था, सवाल उठने लाजमी थे जो उठे भी, जिसको लेकर दिल्ली बीजेपी के आधिकारिक एक्स हैंडल पर यह भी ट्वीट किया गया और लिखा गया कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। आपियों के लिए ये लाइन इन दिनों एकदम सटीक बैठ रही है। शराब की दलाली खाकर घोटाले कर जेल पहुंचा शराब का सरगना केजरीवाल अब अपनी तुलना शहीद भगत सिंह जी से और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी से करने लगा है। आखिर कोई इतना आत्ममुग्ध कैसे हो सकता है? फिलहाल सिर्फ बीजेपी ही नहीं, कई लोग केजरीवाल की इस तस्वीर की आलोचना कर रहे हैं, और आलोचना करे भी क्यों ना, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया। दरअसल शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को 2 घंटे की पूछताछ के बाद उनके घर से उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। दिल्ली सरकार ने शराब नीति साल 2021 के नवंबर महीने में शुरू की थी, जिसके कुछ समय बाद ही साल 2022 में इसके खिलाफ अनियमितता की जानकारी मिली। जानकारी मिलने के बाद इस मामले में जांच शुरू कर दी गई और साल 2022 के सितंबर महीने से इस मामले से जुड़े लोगों की गिरफ्तारियां शुरू कर दी गई। अब तक इस मामले में कुल 16 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कोर्ट के दिए फैसले के मुताबिक अरविंद केजरीवाल 15 अप्रैल तक जेल में ही रहेंगे। जेल में उनसे मिलने के लिए उनके परिवार के सदस्य और उनके 3 दोस्तों को इजाजत दी गई है।
और जब से अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, तब से सुनीता केजरीवाल ने ही मोर्चा संभाला हुआ है। लेकिन आज जब सुनीता केजरीवाल लोगों के सामने आई तो उनके लगी पीछे की तस्वीर कई सवाल को जन्म दे गई, जिसका जवाब शायद आम आदमी पार्टी या सुनीता केजरीवाल तो ना दे पाए, लेकिन जनता समझदार है साहब, और वो सब समझती है और समझे भी क्यों ना, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है और जनता सब जानती है। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।